आज देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो देश में कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन को 3 मई तक जो एक्सटेंड किया गया है, उसका कांग्रेस पार्टी एवं पूरा देश की जनता स्वागत करती है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जो सुबह ही आह्वान किए हैं देश को कि हम देशवासियों को इस लॉकडाउन में कोरोना वॉरियर्स फाइटर्स जैसे डॉक्टर्स नर्सेज यानी पूरे स्वास्थ्य कर्मी पुलिस कर्मी सफाई कर्मी और मीडिया कर्मी को हम लोग सम्मान दें और उन्हें हम लोग उनका साहस और हौसला अफजाई करें ताकि लॉकडाउन पूरी तरह से सफल हो सके। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मांग करना चाहता हूँ कि अभी तक जो आर्थिक पैकेज घोषित किया गया है इस कोरोना वायरस को लेकर के और 2856 करोड़ रुपया विभिन्न लोगों के खाते में आई है, लेकिन उस पैकेज में किराएदार किसान जिसे बटाईदार कहते हैं, स्वनियोजित श्रमिक जो अपने श्रम से कुछ काम करते हैं, भूमिहीन मजदूर जो दिन रात खेती का काम करते हैं, ऑटो टैक्सी ड्राइवर रिक्शा चालक सहित नाई के काम करने वाले वाशरमैन के काम करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे पूजा पाठ कराने वाले बहुत करोड़ों करोड़ ऐसे लोग हैं, ऐसे मजदूर हैं जिनका और खास करके पुरुष जनधन योजना खातेदार जिनकी चर्चा इस पैकेज में नहीं की गई है, तो कांग्रेस पार्टी ये मांग करना चाहती है कि पुरुष जनधन खातेधारी बटाईदार किसान स्किल्ड लेबर ये सभी लोगों के खाते में एक निश्चित रकम दी जाए ताकि इस लंबे लॉकडाउन में उनका और उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय कौम।